नमस्कार। देश में इस समय हर तरफ राम मंदिर आंदोलन की चर्चा है, उससे जुड़े हुए राजनीति, उससे जुड़े हुए आंदोलन, कौन किसको बुला रहा है, नहीं बुला रहा है, कौन आएगा, कौन नहीं आएगा, कौन रूठ गया, किसको मनाया जा रहा है, किसको नहीं मनाया जा रहा है, तमाम तरह की चर्चाएं हैं, फुल राजनीति हो रही है। और इतना बड़ा आयोजन है, चुनावी वर्ष है, तो जाहिर है कि इतने बड़े आयोजन को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं होंगी। इन चर्चाओं के बीच एक बयान मुझे लगा कि बहुत महत्वपूर्ण है और इस पर बात होनी चाहिए, क्योंकि इसका जो असर है, राजनीति तो 5 साल के लिए होती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जिसका समाज पर गहरा असर होता है। मुझे लगता है कि इस चर्चा को समाज पर गहरे असर के रूप में देखा जाना चाहिए। पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने राम मंदिर आंदोलन के बीच एक बेहद विवादास्पद बयान दिया। सबसे पहले उनका बयान सुन लेते हैं। मंदिर में जहाँ चारों शंकराचार्य जी का भी उल्लेख नहीं है, आपके आमंत्रण नहीं, आमंत्रण देखिए, मेरे पास जहाँ तक मठ तो मैं बहुत दिनों से नहीं गया हूँ, पर मुझे सोचना है कि शंकराचार्य पुरी एक व्यक्ति के साथ आना चाहे आ सकते। अगर लिखा होता कि 100 व्यक्ति के साथ आने तो अभी मैं नहीं जाता, मैं सैद्धांतिक व्यक्ति समझ। क्यों नहीं जा रहे आप? मोदी जी लोकार्पण करेंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे और मैं वहां ताली बजा के जय जय करूंगा, क्या मुझे एक पद नहीं पद तो। शंकराचार्य के इस बयान को अगर आपने गौर से सुना है तो इसके 3 हिस्से हैं। ऐसे तो शंकराचार्य एक नाराज फूफा की तरह लग रहे हैं, जो शादी बारात वगैरह में नाराज हो जाते हैं कि ये रसगुल्ला हमको नहीं मिला और ऐसे नहीं बुलाया और इज्जत नहीं मिली वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पर जो बात वो कह रहे हैं उसके हिंदू धर्म के लिए बहुत गहरे मायने हैं। उनके सेंटेंस के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा कि मंदिर का लोकार्पण नरेंद्र मोदी करेंगे। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी मूर्ति को छुएंगे। तीसरी बात, क्या ऐसे मौके पर शंकराचार्य का ताली बजाना उचित होगा। इन 3 बातों के संदर्भ में आप अगर देखें तो ये हिंदू धर्म में लंबे समय से चली आ रही बहस के हिस्से के तौर पर आप इसको देख सकते हैं, जहां पर हिंदू धर्म का एक हिस्सा लगातार प्रगतिशील होने की कोशिश कर रहा है, जो समस्याएं हैं उसको निपटने की कोशिश कर रहा है। दूसरा हिस्सा ग्रंथों में घुस रहा है, पुरातन की तरफ जा रहा है, पीछे मुड़कर देख रहा है और समाधान वो ढूंढ रहा है वैसी जगह पर जहां से समस्याएं आई हैं। दरअसल शंकराचार्य ये कह रहे हैं कि क्योंकि मंदिर का लोकार्पण नरेंद्र मोदी करेंगे, वो मूर्ति को छुएंगे, ऐसे मौके पर शंकराचार्य ताली नहीं बजाएंगे। यानी शंकराचार्य इस बात का स्वागत नहीं करेंगे कि राम मंदिर का लोकार्पण मोदी के हाथ से हो रहा है और वो मूर्ति को छू रहे हैं। दरअसल ये हिंदू धर्म की जो सबसे बड़ी समस्या है, सबसे पुरानी समस्या है, उसकी ओर शंकराचार्य दरअसल एक तरह से उसको वो सामने सतह पर ला दे रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हिंदू धर्म जन्म आधारित भेदभाव पर आधारित एक धर्म है, जिसमें कि पवित्र और अपवित्र, प्योरिटी और प्रोफेन, इन दोनों का स्पष्ट विभाजन है और इसके आधार पर तय होता है कि कौन सी जाति पवित्र है। और पवित्र सिर्फ वो एक फिजिकल एट्रीब्यूट नहीं है कि शरीर से पवित्र, नहा लिया तो पवित्र, नहीं, इतना सिंपल नहीं है। वो मोरल पवित्रता, उसके जन्मजात मिली हुई पवित्रता, ये सारी पवित्रताएं उसमें जुड़ी हुई हैं। ये स्पिरिचुअल पवित्रता, आध्यात्मिक तौर पर कौन पवित्र है, हो सकता है कि सबसे साफ सुथरा नहाया हुआ जो शुद्र होगा उसके मुकाबले 10 दिन से नहीं नहाया हुआ, गंदगी में लिपटा हुआ ब्राह्मण उसके मुकाबले शुद्ध होगा और पवित्र होगा, क्योंकि उसकी पवित्रता का एकमात्र स्रोत शारीरिक पवित्रता नहीं है। उसकी जो पवित्रता है, जो उसकी शुद्धता है, उसका स्रोत उसको जन्म से मिले हुए विशेषाधिकार से है, जो उसने पिछले जन्म के बल्कि जन्म जन्मांतर के कर्मों से हासिल की हुई जो उसकी पवित्रता है, वो पवित्रता अभी अभी नहाकर निकले हुए शूद्र की पवित्रता पर भारी है। नरेंद्र मोदी निश्चित रूप से उस दिन नहा धोकर जाएंगे, ऐसी कोई समस्या तो है नहीं। वो बिल्कुल साफ सुथरे अच्छे ड्रेस में जाएंगे, लेकिन वो मूर्ति को छू देंगे, इससे शंकराचार्य को दिक्कत है। ये है समस्या। इस समस्या से हिंदू धर्म बहुत लंबे समय से लड़ रहा है और एक लंबी परंपरा है हिंदू धर्म के अंदर से और हिंदू धर्म के बाहर से, लगातार इस समस्या को चिन्हित करके इससे निपटने की कोशिश हुई है। इसमें बाहर से कई सारी कोशिशें, बड़ी कोशिशें हुई हैं, लेकिन वो कोशिशें हिंदू धर्म को
निर्णायक रूप से पूरे तौर पर नहीं बदल पाई है, काफी कुछ बदला है, लेकिन खास करके पिछले 75 साल के लोकतंत्र ने हिंदू धर्म की उन सारी मान्यताओं को बहुत हद तक निरस्त किया है, बहुत हद तक खारिज किया है। और आज की तारीख में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है तो जाहिर है कि वही जाकर उस मंदिर का लोकार्पण करेंगे, क्योंकि ट्रस्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से के ऑर्डर से बना हुआ भारत सरकार का ट्रस्ट है। तो शंकराचार्य को दिक्कत है, क्योंकि उनको लगता है कि हिंदू धर्म को तो ऐसे नहीं चलना चाहिए। शास्त्रीय आधार पर बात करें, ग्रंथों के आधार पर बात करें, तो दरअसल ऐसे तरीके से नहीं चलना चाहिए। यहाँ पर शंकराचार्य और तुलसीदास दरअसल एक जगह पर खड़े हैं। तुलसीदास जिसको लेकर इतना सारा कुछ, इतने विवाद हैं, इतनी चर्चाएं हैं, और ये बहुत अच्छा है कि अयोध्या का जो एयरपोर्ट है उसका नाम तुलसीदास के नाम पर नहीं रखा गया है और आदि कवि महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा गया है। बहुत सोचा समझा हुआ कदम है, क्योंकि तुलसीदास एक विभाजनकारी व्यक्तित्व हैं, वो हिंदू धर्म के पथ भ्रष्टक हैं। और खास करके आप देखेंगे आर्य समाज के टेक्स्ट में इसकी काफ़ी आलोचनाएँ हैं। ये हिंदू धर्म के पथ भ्रष्टक तुलसीदास भी एक किताब ही है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। अब उन्होंने देखिए तुलसीदास शंकराचार्य एक जगह पर कैसे खड़े होते हैं, मैं आपको रामचरितमानस के उत्तरकांड की दो चौपाई सुनाता हूँ। दोनों चौपाई गीता प्रेस गोरखपुर से के मूल टेक्स्ट से ली गई है, इसमें एक भी शब्द इधर उधर नहीं है, आप चेक कर सकते हैं अपने घर में, अगर है तो आप निकाल कर देखिए। अब मैं वो दो चौपाई पढ़ रहा हूँ। पहली चौपाई उत्तरकांड। जे बरनाधम तेली कुम्हारा, स्वपच किरात कोल कलवारा, पनारी मुई गृह संपत्ति नासी, मूड मुड़ाई हो ही सन्यासी। अर्थात अनुवाद भी गीता प्रेस गोरखपुर का है। तेली कुम्हार चांडाल भील कोल और कलवार आदि जो वर्ण में नीच हैं, स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट होने पर सिर मुड़ाकर सन्यासी हो जाते हैं। कितनी नफरत है देखिए यहां पर। जे बरनाधम तेली कुम्हारा, सुपच किरात कोल कलवार। तेली कुम्हार चांडाल भील कोल और कलवार आदि जो नीच वर्ण के हैं, जो वर्ण में नीच है, मतलब आदमी एक ही जगह से सब लोग निकले हैं, एक ही जगह एक ही माँ के शरीर से निकले हुए लोग हैं, तमाम अपनी अपनी माताओं से अलग अलग, जैसे अगर जैसे कबीर साहब पूछते भी हैं ना कि भाई अलग रास्ते से क्यों नहीं आए अगर तुम ऊंचे हो या कुछ विशिष्ट वर्ण के हो, आते तो सभी लोग एक ही जगह से है ना। या देखिए अब इसी के अगली चौपाई में पढ़ रहा हूँ। ते विप्रन सन आप पूजा वही, उभय लोक निज हाथ नसा वही, विप्र निरक्षर लोलुप कामी, निराचार सट विसली स्वामी। अब इसका गोरखपुर का अनुवाद देखिए, गीता प्रेस गोरखपुर का। अब ये जो तेली कुम्हार चांडाल भील कोल और कलवार हैं, वे अपने को ब्राह्मणों से पूजवाते हैं और अपने ही हाथों दोनों लोकों का नाश करते हैं। अब ये क्या है, ये किस तरह का टेक्स्ट है? ये अगर हिंदू धर्म का टेक्स्ट है तो हिंदू धर्म को बांटने के लिए किसी अंग्रेज या किसी और की जरूरत ही नहीं, ये खुद ही इतना विभाजन तो हिंदू धर्म के संत कहे जाने वाले तुलसीदास पैदा कर रहे हैं। अगला चौपाई सुनिए और मतलब भरा पड़ा है। शूद्र करही जप व्रत तप नाना, बैठ बरासन कहीं पुराना। मतलब शूद्र इस समय जप व्रत तप कर रहे हैं, बैठ बरासन बड़े आसन पर बैठकर कहीं पुराना, पुराण का पाठ कर रहे हैं। दिक्कत है क्या, हिंदू हैं, पुराण का पाठ कर रहे हैं, बड़े आसन पर बैठे हुए हैं, वो ब्राह्मणों से अगर ज्यादा पढ़ा लिखा है, ज्यादा समृद्ध है तो पूजा तो करवाएगा ही। एक शूद्र भी अगर अपनी एक दुकान खोलता है, वहाँ एक ब्राह्मण को अगर नौकर रखेगा तो आदर तो लेगा ही लेगा, इसमें दिक्कत क्या है? यही तो मतलब ऐसे ही तो समाज होना चाहिए, लेकिन तुलसीदास की विचारधारा जो है वो, क्योंकि इसमें समस्या है, और उसी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हुए शंकराचार्य इस बात को कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी मूर्ति को छू देंगे और हम ताली बजाने नहीं जाएंगे। बहुत ही अजीब बात है। और एक समस्या और है, हिंदू धर्म का जिन लोगों ने अध्ययन किया है वो जानते हैं कि हिंदू धर्म में मुख्य रूप से तीन मुख्य धाराएं या परंपराएं हैं, द्वैत अद्वैत और द्वैताद्वैत। शंकराचार्य जो हैं वो अद्वैत परंपरा के हैं, जो जीव और ब्रह्म को एक मानते हैं, अहम ब्रह्मास्मि बोलते हैं या एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति बोलते हैं। अगर ये परंपरा है तो वहाँ तो बहुदेववाद नहीं है, वहाँ तो कोई राम और कृष्ण नहीं है।
तो आपको इस बात क्यों पड़ी हुई है कि राम मंदिर में जाकर कौन मूर्ति का लोकार्पण करेगा, कौन छू देगा? आप तो ब्रह्म और जीव को एक मानने वाले वाली परंपरा से हैं, आप तो राम मंदिर में शायद जाएंगे भी नहीं कभी, किसी राम मंदिर किसी मंदिर में नहीं जाएंगे, शायद कृष्ण के मंदिर में भी नहीं जाएंगे, तो आप इस विवाद में क्यों पड़ रहे हैं? शंकराचार्य के विवाद उनके भाषण की मुझे लगता है इस वक्तव्य की निंदा होनी चाहिए और हिंदू धर्म को सुधार के रास्ते पे चलना चाहिए और उनको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सभी हिंदुओं को एक टेक्स्ट जरूर पढ़ना चाहिए जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है, जिसको उन्होंने सवर्ण हिंदुओं की सभा के लिए तैयार किया था भाषण, और उसमें उन्होंने बताया है कि अगर आपको अपना धर्म बचाना है, हिंदुओं को बचना है, तो आपको क्या क्या काम करने चाहिए, और उसमें उन्होंने कहा है एक एक प्रिस्क्रिप्शन उनका जो है वो भी ये भी है कि पुजारी सिस्टम को आप रिफॉर्म कीजिए और सभी जातियों के लोगों को पुजारी बनाइए, इसको वंशानुगत मत रखिए और इसमें आप जो परीक्षा देकर पुजारी बने उसके पास चार्टर या सनद हो, जिसके पास सनद न हो वो पुजारी का काम न करे। और भारत सरकार ही नहीं, अब तमाम राज्य सरकारें भी इस दिशा में पढ़ रही हैं, यहाँ पर तमाम वर्णों के लोग पुजारी बन रहे हैं, अयोध्या के राम मंदिर में भी दो शेड्यूल कास्ट के और एक ओबीसी का पुजारी होगा, जो कि अच्छी बात है। परिवर्तन हर धर्म का नियम है, हर धर्म में परिवर्तन होता है, परिवर्तन ही सनातन है, परिवर्तन ही शाश्वत है, परिवर्तन ही अव्यय है, बाकी सब कुछ जो है वो परिवर्तनशील है। इसी बात के साथ मैं अपना ये वक्तव्य खत्म करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। साथियों, अगर आपको द न्यूज बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस क्यूआर कोड को स्कैन करें और न्यूज बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। क्यूआर कोड के अलावा आप यूपीआई के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी यूपीआई आईडी newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें, टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।